जिंदगी के हमारे जो भी हालात हैं, अगर ये खराब हैं तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे ये हालात बदलें। तो मसला ये है कि हालात आपके बदलें कैसे, क्या कमियां हैं जिसको दूर करें तो आपके यकीनन हालात बदल सकते हैं। देखिए, अपनी अंदर की बुराई आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, मेरे अंदर की बुराई मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, उसी क्रम में आपके अंदर की बुराई आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। देखिए, जिंदगी में हमारे लिए कामयाबी बहुत ज़रूरी है, और कामयाबी का असल मतलब क्या है? पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो आप कामयाब हैं, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कामयाब नहीं हैं। दैट इज 100% ट्रू। पैसे की क्या कीमत है वो हम समझते हैं अभी, कि कैसे पैसा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये जाने बाबू कि सकल सूरत कितनी भी अच्छी हो, अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। इसलिए ज़िंदगी में सफल होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो क्या वो चीज़ें होती हैं जिससे हम सफल नहीं हो पाते? तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, एज ए स्टूडेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? देखिए, जो कुछ भी वर्तमान में आप करते हैं वही आपके आने वाले कल को डिसाइड करता है। प्रेजेंट टाइम में अगर आप किसी और चीज़ में मुलविश होकर के अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं तो यकीनन फिर आप कामयाबी की उम्मीद छोड़ दीजिए, पहली चीज़। अब मैं क्या कह रहा हूँ, या आप बेहतर समझ रहे होंगे, आप छोटे बच्चे नहीं हैं। ठीक, अगर पढ़ने के इस दौर में आप कहीं और अपने जहन को लगा रहे हैं तो जिस भी चीज़ में आप अपनी जहन को लगाएंगे वहीं फिर आप उसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, बहुत पहले कहा था और अब भी कह रहा हूँ, इस दिमाग में दो चीज़ों में से सिर्फ एक ही घुसेगी, या तो इसको घुसा कर अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद नेस्तनाबूद हलाक कर दें, या तो आप उस किताब से ही इश्क करके ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं। यकीनन अगर इश्क करना है तो किताबों से करो, अगर बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना जाएगी, और लोगों से करोगे, लोगों के चक्कर में पड़ोगे, जिंदगी भर परेशान रहोगे। कभी SMS ना आने का डर, कभी फ़ोन ना आने की दिक्कतें, कभी मैसेज की रिस्पांस ना करने का दिक्कत, कभी लास्ट सीन कर देख कर परेशान हो जाना, कभी ब्लॉक होने पर परेशान रहना। अरे छोड़ो यार, कब तक पड़े रहोगे इन चक्कर में? बस कब तक पड़े रहोगे, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी बर्बाद होगी, किसी का क्या जाएगा? क्योंकि लड़कों की फितरत होती है शत्रुओं की, ठीक है, कि ये हमेशा बात करने के लिए क्या होगा, सारे काम को लात मार देंगे, और वहीं सामने जो लड़की होगी वो क्या होगी, सारे काम से फुर्सत में आके तब बात करेंगे। अब ये बेचारे लग जाएंगे, घर से भागेंगे, पापा के सामने दोस्त के फोन आवे, अरे बेटा तुम्हारे बाप है वो, तुमको पता है कि किसका फोन आ रहा है, कौन से दोस्त का फोन आ रहा है, उनका तुम्हारे बात करने का तरीका और लहजा बता देता है, कहाँ दतियार हो बेटा, कहाँ भेजिए हो। तो बेवकूफ़ बनाने की बेटा कोशिश ना करें। देखिए, ज़िंदगी आपकी ख़राब होगी, सामने वाले का कुछ नहीं जाएगा, उनको क्या है, आप बर्बाद होंगे, उनका अपना कोई व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी के बारे में फिक्र करें ना, क्योंकि आगे चलकर आपको अपना परिवार बाबू खुद चलाना है। ज़िंदगी में जेब में अगर कोई पैसा नहीं है तो ज़िंदगी में कुछ नहीं है। कामयाबी का असल मतलब पैसे से है, पैसे की कीमत आपकी ज़िंदगी में बहुत है। तसव्वुर करें आप अपनी ज़िंदगी के ऐसे हालात को कि आपके घर में कोई बीमार पड़ गया और आपकी जेब में पैसा नहीं है कि जिस पैसे से अपने उस माँ की, अपने बेटे की, अपनी बहन की, अपने उस बीवी की आप जान को बचा सकें। आपके आसपास देखते होंगे कुछ लोगों को जब बीमारियां होती हैं तो उनके जो इलाज होते हैं वो अच्छी जगहों से होते हैं, लखनऊ जाएंगे, मुंबई जाएंगे, आगरा जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, और ऐसी जगहों से इलाज करके यकीनन वो अपनी माँ बाप की, अपने बच्चों की, अपनी बीवी को, जान को वो बचा लेते हैं। और एक वो होते हैं जो पैसे ना होने की वजह से अपने सामने ही अपने माँ बाप को, अपनी बीवी, अपने बच्चे को मरता तड़पता देखते हैं। तो क्या आप उसमें से बनना चाहते हो कि आपकी औलादें आपकी आंखों के सामने दम तोड़ दें, या आप उसमें से चाहते हो कि आपकी अगर हयात उनकी अगर बाकी है तो आपकी जेब में इतना पैसा हो कि कम से कम उनकी हयात को, उनकी ज़िंदगी को आप बचा लो? पैसा है तो ज़िंदगी में सब कुछ है, अगर वो नहीं है तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। एक अच्छा घर, एक अच्छा कपड़ा, अच्छी मोबाइल, हर कोई एक्सपेक्ट करता है, लेकिन मसला ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशन कब पूरी होगी? जब आप पढ़ने के टाइम पर, कामयाब होने के टाइम पर कामयाबी के रास्ते कदम पर चलोगे। यकीन माने, जिस दिन आप कामयाब हो गए ये 2-4-10 लोग आपके इंशाल्लाह ज़िंदगी में पीछे घूमेंगे। यार किस गुमान में हो आप?
क्या आप अभी मुलविश होना कामयाबी समझते हो? अरे खुशी क्या होती है जिंदगी में आपने बेटा कभी नहीं देखी है? ये मोबाइल पर लगे रहना, SMS पर मुस्कुराना, ये खुशी का हिस्सा नहीं है। इसको लोग बेवकूफ़ी कहते हैं, नादानी है, बहुत बड़ी है। तुम उस पर हंसते हो, लोग तुम पर हंसते हैं, और दोनों में फ़र्क है। कोई आपको देख कर हंसता है या हंसकर देखता है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस चक्कर में पड़कर अपनी चीज़ों को, अपनी ज़िंदगियों को बिल्कुल भी आप ख़राब ना करें। ठीक है, इस चीज़ का कोई फ्यूचर नहीं है अलावा बर्बादी के, तो बर्बादी का रास्ता प्लीज़ आप इख्तियार ना करें। ठीक है, आपकी अपनी ज़िंदगी आपके हाथ में है, अभी वक्त है, अभी कामयाब कर लीजिए खुद को, ज़िंदगी भर आराम करेंगे। देखिए लाइफ के दो स्टेजेस होते हैं, शुरू से लेकर 25 साल, जिसने इस 25 साल की उम्र में अय्याशियाँ तलाशी हैं उस वो लेकर 25 से लेकर अपने अंत में 70 साल तक रोए हैं, और वो जो 25 साल तक मेहनत किया है आराम से, जो बाकी की जो जिंदगियां बची हैं 40-50 साल आराम से ऐश किया है। तो 25 साल के चक्कर में आप 50 गंवाएंगे कि 25 को तबाह बर्बाद करके या मेहनत करके आप 50 को संवारेंगे? डैट्स ऑलवेज अप टू यू। सो ऑलवेज फॉलो द राइट वे, इट विल अल्टीमेटली मेक योर लाइफ सक्सेस, एंड योर लाइफ इज नथिंग विदाउट मनी। मनी इज एवरीथिंग विच विल अल्टीमेटली चेंज योर लाइफ, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। सो पे प्रॉपर अटेंशन टू इट, ऑलवेज ट्राई टू अचीव योर एम, डू हार्ड वर्क फॉर इट। यू हैव द लिमिटेड टाइम, यू हैव टू रीच योर गोल, यू हैव टू रीच योर डेस्टिनेशन। इफ यू विल नॉट बी एबल टू रीच योर डेस्टिनेशन, इफ यू विल डाइवर्टेड ऑन द वे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।